अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कनाडा का जो स्टडी वीज़ा था उसमें जो एक कैटेगरी है SDS यानी स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम, जिसमें आपको वीज़ा मिनिमम 20 डेज़ और मैक्सिमम 2-3 मंथ के अंदर हर हाल में आपको रिस्पांस मिल जाता है। सो उस कैटेगरी में एक ब्लॉक्ड अकाउंट होता है जो जमा करवाना ज़रूरी है। यही इसका मेन डिफरेंस है ब्लॉक्ड अकाउंट का। सो पहले ये था $10,000 जब मैं आया था, और यकम जनवरी 2024 से ये बढ़ के 20,000 होने लगा है। तो समझ डबल होने लगा है। अगर फॉर एग्जांपल आज का डॉलर 200 रुपये अगर चल रहा है तो 20 लाख हमने जमा करवाना है अगर हम 31 दिसंबर तक वीज़ा अप्लाई करते हैं कनाडा का स्टडी के लिए, और अगर उसके बाद करते हैं तो ये डायरेक्ट 40 लाख हो जाएगा। और डॉलर ऊपर नीचे होता रहता तो 40 लाख समथिंग। सो दिस इज़ एन अपडेट फॉर स्टडी वीज़ा स्टूडेंट ब्लॉक्ड अकाउंट। तो पहले मेरी जितनी भी वीडियोज़ हैं उनके अंदर हम $10,000 कहते थे, यानी पाकिस्तानी 20 लाख रुपये तकरीबन ब्लॉक्ड करना पड़ता है। अब ये बढ़कर आपका 40 लाख से ऊपर जा चुका है, और ये भी बता रहा है कि कनाडा में भी उसी तरह ही महंगाई है जिस तरह पाकिस्तान में बाकी मुल्कों में है, और ये सब चीज़ें साथ साथ चलती रहती हैं। सो ये आज का वेदर भी आप देख लें, काफ़ी दिनों बाद स्नोफॉल हो रही है। और मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। बाय।